हिमांशी पकाऊ है, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान ने बोली शो में। और इस बात को लेकर आसिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो सलमान खान से बोल पड़े कि सर ऐसा मत बोलिए। आखिर ऐसा क्या हुआ मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सोमवार का वार देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आज के दिन भी जो है कनेक्शन घर के अंदर मौजूद थे। सलमान खान ने जो है जैसे ही शो शुरू किया उन्होंने बोला कि हिमांशी आज आप बीच में मत बोलना और अपने जो उंगली है वो अपने मुंह पर रख लो, यानी कि चुप ऐसे करके बैठ जाओ। और हिमांशी जो है ऐसे करके बैठ भी गई और सभी जो है जोर से हंसने लग गए। फिर एक टास्क शुरू हुआ जिसमें बताना था कि कौन किसको सबसे ज्यादा खतरा मानता है। ये टास्क हुआ, उसके बाद सलमान खान की जैसी एंट्री हुई उन्होंने सभी कंटेस्टेंट से इस बात को लेकर सवाल जवाब किए। रश्मि की बारी आई और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्यों लगता है कि आसिम जो है तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटर है, और उन्होंने वहां पर फिर टोका हिमांशी को कि तुम जो है इसमें बीच में मत बोलना और चुप बैठा। फिर एक और टास्क हुआ जब सबको टाइटल देने थे, तो ये था कि कौन सबसे ज्यादा पोक करता है, और तब भी मजाक उड़ाया गया कि हिमांशी तुम मत बोलना। फिर जो है सभी कनेक्शन को बाहर जाने के लिए बोला गया, और जब सभी कनेक्शन को बाहर जाने के लिए बोला गया तो सलमान खान की एंट्री होती है। फिर बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है अब तो यहाँ पर, थैंक गॉड कितनी पकाऊ है हिमांशी गई, कितनी पकाऊ है। फिर आसिम बोलते हैं कि सर ऐसा मत कहो वो तो प्यार जता रही थी। जब तो सलमान खान ने बोला जब वो घर में थी तब तो वो इतना प्यार नहीं जता रही थी, और अब जो है बहुत प्यार जता रही है, उनका ये कहने का मतलब था। तो कहीं ना कहीं सलमान खान जो है आज भी हिमांशी की प्रेजेंस में भी और हिमांशी की एब्सेंस में भी मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े से खफा या चिढ़ते हुए नजर आए। कल के एपिसोड में भी अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत सारे सदस्यों को बोलने का मौका मिल रहा था और हर कोई बोल रहा था, लेकिन जब भी हिमांशी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी तो उनको टोक दिया जाता था या फिर रोक दिया जाता था। तो क्या आपको भी ये महसूस हुआ? और मैं आपको बता देती हूँ कि सलमान खान और हिमांशी का जो ये मुद्दा है वो आज का नहीं है। आपको याद होगा कि हिमांशी का एक वीडियो आया था जहाँ पर हिमांशी ने बोला था कि वो तो बर्तन धोएंगे ही क्योंकि इतने पैसे लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बात जो है वो उसी समय से शुरू होती है जब हिमांशी ने सलमान खान के ऊपर ये एक बात बोली थी कि वो तो बर्तन धोएंगे ही, और उसके बाद आज जब वो घर से बाहर निकली है तब भी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वो सेलिब्रिटी या बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जो मेरे रिश्ते पर सवाल उठाते हैं और खुद के रिश्तों पर जब सवाल उठते हैं तो कहते हैं ये हमारा खुद का मामला है, ये पर्सनल चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जहां हिमांशी ने घर से बाहर निकलकर वो बात बोली, तो क्या सलमान खान वाकई में उस बात से खफा है, या फिर सलमान ने ये जो सारा एटीट्यूड किया उसके बाद जो है हिमांशी बाहर निकली तो उन्होंने इसीलिए इस तरह की बात सोशल मीडिया पर लिखी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सलमान खान जो है आज जब उन्होंने बोला कि मैं वो बहुत पकाऊ है, इस बात का जो है आसिम को बहुत बुरा लगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब सलमान खान आसिम को डांट लगाते हैं तो वो हाँ ओके सर बोलकर रह जाते हैं, लेकिन आज जब हिमांशी की बारी आई तो उन्होंने खड़े होकर स्टैंड लिया और बोला कि सलमान सर आप ऐसा मत बोलिए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सलमान खान जो है जो हिमांशी के साथ उन्होंने आज शो में उनके लिए बात बोली वो सही थी क्या? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।